मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। जैसे कहा जाता है ना कि यदा गीता में लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म कमजोर होगा, एक तरह से भगवान कृष्ण ने पूरी विश्व को ये विश्वास दिया है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। भगवान ये कह रहे हैं, मैं हूं भगवान। वो ये कह रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब चिंता मत करना, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। मैं जन्म नहीं दूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान दो तरह से प्रकट होते हैं। एक तो वो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में तरह तरह के रूप धारण करके प्रकट, स्वयं प्रकट होते हैं। और दूसरा वो परिस्थितियों के तौर पे प्रकट होते हैं। परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि आपको अपने आंखों से भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको अचानक लगता है ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। जैसा अभी कई लोगों ने आपने कहा कि 3 महीने पहले तक ये लगता था यार इनकी तो 400 से ज्यादा ही सीट आएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी, सबको लगता था हाँ यार 400 सीट आएंगी, इनकी तो 400 सीट आएंगी। अचानक 3 महीने में इतनी सारी घटनाएं घट गई, इतनी सारी घटनाएं अपने आप बड़ी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं देश के अंदर। आज शर्त इस बात की नहीं लग रही देश के अंदर कि 400 सीट आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी इन लोगों। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया।